मैं इस समय रांची के टैगोर हिल पर हूँ। हाँ, टैगोर हिल, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई का एक साधना स्थल रहा। वे लगभग 25 साल यहाँ पे एकांत में रहे और इन दिनों रांची एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अभी भी आप देखेंगे इस हिस्से में, यहाँ पर रांची गगनचुंबी इमारतों वाला शहर है। इस तरफ देखें तो भी इमारतों वाला शहर, लेकिन इसके सीधे हाथ पर जैसे ही हम मुड़ते हैं तो आपको तालाब भी देखने को मिल जाएगा, पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, दूर तक हरियाली, खेत, मैदान। और थोड़ा सीधे हाथ को जाए तो ये पहाड़ अनायास ही आपको इजिप्ट के गीजा के पिरामिड की याद दिला देंगे। इजिप्ट के गीजा के पिरामिडों को दूर से देखें तो लगभग इसी तरीके से दिखते हैं, पीछे अचल अनंत आकाश और उसके बीच में खड़े पहाड़। ये पत्थरों के पहाड़ हैं, ये पहाड़ 2 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। टैगोर बाबू के लिए ही नहीं, यह स्थान जियोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान के लोगों के लिए भी एक अनूठा स्थान है। यहाँ की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री अपने आप में एक अध्ययन का केंद्र हैं। किस तरीके से ये नीचे गिर रही हैं, पलट रही हैं और इनमें दरारें आ रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि देश के दूसरे पर्यटन स्थलों की तरह यहाँ भी गंदगी, कूड़ा, पानी की बोतलें धीरे धीरे अपना स्थान बनाती जा रही हैं और शायद इनकी सफाई की यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड सरकार ने इस स्थान को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर संगोष्ठी के लिए हॉल है, टॉयलेट भी है, लेकिन सभी बेहद उपेक्षित, बगैर किसी रख रखाव के और बदबू मारते हुए। रांची आए तो इस स्थान पर ज़रूर आएँ, लेकिन याद रखें कि यहाँ कूड़ा ना फैलाएं और यहाँ की बहुत सारी स्मृतियों को अपने साथ लेके जाएं, उन लोगों को साझा करें, वो जान सकें कि हमारे 100 साल पहले लोग जो चिंतक थे, लेखक थे, किस तरीके से एक कुत्ता एक बंदर के साथ में यहाँ पे एकांत में रह जाया करते थे। हाँ, उस समय रांची एक छोटा सा गांव था, आज है कंक्रीट का जंगल।